शुरुआत कर लेते हैं इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी की, जिसमें आपके सभी सवालों का जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश बड़े और एक्सपर्ट डॉक्टर्स के जरिए हम करने वाले हैं। अगर कोविड से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप हमें अगले एक घंटे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें नंबर्स पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम डॉक्टर से आपकी जो भी दुविधा होगी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, कोरोना को लेकर जो भी सवाल हो। लेकिन इसी बीच देश में कोरोना की रफ्तार कम हुई है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन खतरा टला नहीं है। कोरोना की सेकेंड वेव ने जो कहर बरपाया है उसको लेकर सरकार की तैयारी किस तरीके की है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, ये सबने देखा है। अब देश में थर्ड वेव आने की आशंका जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो थर्ड वेव अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में आ सकती है और इस वेव में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका है। दिल्ली से लेकर दूसरे राज्य भी इससे निपटने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि तीसरी लहर का डर है, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता और जुलाई तक 17 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में लगा दिए जाएंगे। दूसरे राज्य भी अस्पतालों में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन तीसरी लहर कितनी घातक हो सकती है और कौन कौन सा एज ग्रुप है जो इसकी जद में आ सकता है और सरकार को इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां करनी चाहिए, क्या तैयारियां अब तक हो रही हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर जुड़ेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल भी होगा जो आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएगा। तो अगले एक घंटे तक आप इंडिया न्यूज ओपीडी के जरिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपने सवालों के जवाब हमसे जानिएगा। थर्ड वेव बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सावधानी अभी से दोगुनी कर दीजिए। देयर आर फेयरली गुड चांसेस ऑफ थर्ड वेव कमिंग इन इंडिया मेनली बिकॉज ऑफ टू फैक्ट्स। देन थर्ड वेव एज पर यू नो इफ यू गो द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस पैंडेमिक्स ऑल्सो, it comes after 4-5 months of second wave, and by that time our full population will not be vaccinated, so you know more than 50% population will be still unvaccinated, so there is fairly chance, and in other countries it has also come now, so we should be prepared। कोरोना की सेकेंड वेव का कहर देखने के बाद अब राज्य सरकारें भी अलग अलग तरीके से सतर्क दिखाई दे रही हैं। राज्यों के अस्पतालों में तैयारियां और भी पहले से ज्यादा तेज हैं, जिससे कि अगर थर्ड वेव आती है तो उससे बड़ी सावधानी के साथ निपटा जा सके। जम्मू में आर्मी ने 50 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया है, जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे कि कोविड मरीजों को आसानी से अच्छा इलाज मिल सके, वक्त पर इलाज मिल सके। वहीं पर गया में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी में अस्पताल जुटे हुए हैं। यहां बच्चों के लिए खासकर तैयारियां की जा रही हैं, जिससे कि समय रहते महामारी पर काबू पाया जा सके और बच्चों की सुविधा को ख्याल में रखते हुए आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, टीवी के इंतजाम भी किए जा रहे हैं ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। की तरफ से बदामी बाग में 50 बेडेड जो हॉस्पिटल तैयार किया गया है, ये डेफिनेटली जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है कोविड के खिलाफ कम्बैट में उसमें मदद करेगा, और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसमें बेड ऑगमेंटेशन की वजह से यहाँ पर श्रीनगर में जो कोविड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तरवीज मिली है, और साथ ही साथ में मैं ये कहूँगा कि पिछले चंद महीनों से जब से कोविड के सेकंड वेव की तलवार से पूरी दुनिया गुजर रही है और हमारा देश भी उसी की चपेट में था, ऐसे में मुख्तलिफ एजेंसीज ने अपना अपना रोल प्ले किया है। वहीं आर्मी की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर 10 आईसीयू बेड्स भी मौजूद हैं और हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी यहाँ पर तैयार किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये जो हेल्थ केयर हमारी फैसिलिटीज है उसमें एक इजाफा है, और इससे जो कोविड मिटिगेशन एफर्ट्स हैं वो डेफिनेटली और अच्छी दिशा में चली गई है। एक तो त्रासदी से लोग गुजर रहे हैं कोविड से, कोविड की त्रासदी से गुजरे हुए लोगों को जो अब थर्ड वेव में हम लोग को पता चल रहा है कि बच्चे लोग ज्यादा इफेक्ट होंगे, इसके लिए पेडिया वार्ड को हम लोग अपडेट कर रहे हैं कोविड से बचने के लिए। बहुत आक्रोशित
बहुत मायूस होते हैं लोग, दर्दनाक स्थिति होती है। इसमें हम लोगों ने खुशनुमा कुछ माहौल देने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ खिलौना रखेंगे, कुछ पेंटिंग करेंगे, कुछ नाटक नुक्कड़, जिस दर जो बच्चे लोग खुश रहे थोड़ा देख करके, रोग से तो उनको तकलीफ होगा ही, लेकिन ये सब माहौल से थोड़ा हट के हो सकता है कि हम लोग के प्रयास से थोड़ा अलग हो और उनका बीमारी जो है सो जल्दी ठीक हो। अब ही जो हमारे पास कोविड 19 से लड़ने के लिए जो व्यवस्था है उसमें हम लोग 206 बेड का व्यवस्था किए हुए हैं। आने वाले समय में हम लोग के पास 409 बेड हो जाएंगे। अभी जो तीसरी लहर आने वाले हैं बच्चों के लिए, जो हम लोग पेडिया में जो व्यवस्था किया है वो 43 बेड का है। जो टोटल बेड आईसीयू होंगे सब में ऑक्सीजन कनेक्शन होगा। और अभी 25 बेड चल रहा है, बाकी बेड में हम लोग लगा रहे हैं सबका। यहाँ पर जो तीसरी लहर का हल्ला है कि तीसरी लहर आने वाली है, या फिर ये सीजन एईएस का भी है, एईएस का भी पेशेंट आ सकता है, तो उसमें है कि पहले थोड़ा सा मुश्किल होता था, ऑक्सीजन पॉइंट वगैरह उतना अच्छे से फंक्शन नहीं करता था। तो तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ये सारा पॉइंट दिया जा रहा है, या फिर ये डिज़ाइन वगैरह बनाया जा रहा है कि जो बच्चा थोड़ा सा ठीक हो जाता है तो वो डिज़ाइन को देख के अपने आप को एनर्जेटिक फील करे, वो तो उसी के लिए बनाया जा रहा है। बच्चा देख के खुश होगा उससे और थोड़ा जल्दी ठीक होने की संभावना उसकी बढ़ जाएगी। भोपाल में तीसरी लहर से पहले बच्चों को कोरोना के लिए जागरूक किया जा रहा है। तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए इस अभियान में बच्चों के बीच में लोकप्रिय चरित्र मोटू और पतलू के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जा रही है और साथ ही साथ वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अभियान को एनएसएस, आवाज, यूनिसेफ और जिला प्रशासन ज्वाइंट रूप से चला रहे हैं। उधर आंध्र प्रदेश के अस्पतालों में तीसरी वेव के लिए निपटने के इंतजाम खास तौर पर किए जा रहे हैं। हर जगह जब हमने दूसरी लहर का खतरा भी देख लिया, अब इसमें क्या कुछ कमी रह गई थी वो भी देख ली, तो तीसरी लहर को लेकर न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि अलग अलग राज्य सरकारों के जरिए जागरूक भी किया जा रहा है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जा रही हैं ताकि अब इस बार जब कोरोना खतरनाक हो तो उससे पहले ही निपटा जा सके और किसी भी तरह से सुविधाओं का अभाव ना हो। ऐसे में बच्चों के लिए खतरा ज्यादा है, इसीलिए बच्चों को जागरूक भी किया जा रहा है। वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों को लगातार अवेयर करने की कोशिश है। ऐसे में बच्चों को मोटू पतलू इस कैरेक्टर के जरिए बताया जा रहा है कि कैसे मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है। तो अब हमने कोरोना कर्फ्यू से पूरी तरह विड्रॉ किया है, पर यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि रोजमर्रा की जिंदगी चले पर संक्रमण ना बढ़े, और इसलिए हमने जहां एक और प्रशासकीय व्यवस्था के तहत कोरोना सेफ्टी टीम CST का गठन किया, पर उसके साथ साथ हमने भोपाल के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को ये निवेदन किया था कि वो भी अपने स्वयंसेवकों के साथ जन जागरण में लगें। आज भोपाल में लगभग 150 स्वयंसेवी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता निकले हैं, भोपाल के मार्केट में घूम रहे हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का पाठ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये संक्रमण का रोग को बचाना है तो व्यक्ति के व्यवहार और उसके आचरण में संयम और अनुशासन लाना होगा। और इसीलिए केवल सरकारी लोग ही नहीं बल्कि समाज के लोग निकलें और समाज को जागरूक करें, इसीलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। आज बच्चों का जो बहुत पॉपुलर दो कैरेक्टर हैं मोटू और पतलू, वो भी निकले हैं, जहां एक और मास्क लगाने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो उसके साथ लोगों से ये भी कह रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है, जागरूक सबको करेंगे। वैसे तो 1.5 साल हो गया, हम खुद जागरूक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे जैसे और बहुत लोग हैं जो नहीं लगाते मास्क, कभी कभी लगाने संदेश जा रहा है, मास्क लगाइए। हम चाहे वैक्सीन लगा चुके हैं लेकिन खतरा तो अभी भी है, बार बार सब बता रहे हैं। देश थोड़ा पता कैसे इनको बहुत साल पहले ही जागरूक करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमें समझ में लेट आता है, तो अच्छा है पहले से करेंगे तब जाके समझेंगे, अगर ऑन टाइम करेंगे तो फिर हम बोलेंगे बहुत लेट आए, बहुत लेट आए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया कर रहे हैं लोग। अलग अलग राज्यों में क्या तैयारी है देखा आपने, दिल्ली में भी कोरोना की तीसरी लहर का डर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ब्रिटेन में प्रकोप बढ़ रहा है, इसीलिए हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता।
अब अपने को थर्ड वेव का डर है, और जो यूके से, इंग्लैंड से जो संकेत मिल रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी थर्ड वेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहां पे केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद कि वहां पे 45% वैक्सीनेशन लग चुका है, फिर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बता रहे हैं इंटेंसिटी कम है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपने को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अपने को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, और वही तैयारी पूरी शिद्दत के साथ आपकी सरकार कर रही है। हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। हरियाणा में सीरो सर्वे हम करवाने जा रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि कितने प्रतिशत हरियाणा की जनता में एंटीबॉडी बन चुकी है, चाहे वो वैक्सीनेशन के कारण बनी हो, चाहे कोरोना संक्रमण के कारण बनी हो, उसका हमें अंदाजा लगता है। और भविष्य में हमने वैक्सीनेशन की क्या प्लानिंग करनी है, किन क्षेत्रों में, किन वर्गों में। तीसरी लहर से निपटने के इंतजाम क्या हैं? दिल्ली से सुमित दुबे हमें जानकारी देंगे, और साथ ही साथ जयपुर से ध्वज आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तीसरी लहर का जिक्र जरूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तैयारियां हम कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी, दवा इंजेक्शन की कमी, ऐसा कुछ रहेगा नहीं, तीसरी लहर को लेकर अभी से तैयारियां शुरू करनी चाहिए। आप दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या बदलाव देख रहे हैं, अस्पतालों में क्या कुछ चेंजेस हैं? जी देखिए, दिल्ली में जहां तक तीसरी लहर की तैयारियों का सवाल है, तो अरविंद केजरीवाल दावे भी कर रहे हैं और तमाम तरीके के विशेषज्ञ अपनी राय भी दे रहे हैं कि तीसरी लहर को रोकने का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन एक बात अगर हम देखें कि तीसरी लहर जब आएगी, अभी तक कोई इसका टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन जब भी तीसरी लहर आएगी तो उसका रूप कैसा होगा और उससे कैसे निपटा जाएगा, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि पहली लहर में हमने देखा था कि पहली लहर जब आई थी तो उसके बाद तैयारियां की गई और वेंटिलेटर बढ़ा दिए गए थे, तमाम सारे वेंटिलेटर दे दिए गए थे, बहुत सारे वेंटिलेटर हर एक अस्पताल पहुंचा दिए गए थे। लेकिन जब दूसरी लहर आई तो पता चला कि उन वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए स्टाफ ही नहीं था या उनके इस्तेमाल करने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं थी। तो अब जो तीसरी लहर की जो आशंका व्यक्त की जा रही है और उसकी तैयारी के लिए कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जैसा कि आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक अच्छी बात जो है इस बार वो ये है कि पहली लहर में जो अस्पताल बनाए गए थे, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स जो बनाए गए थे, जो टेंट लगा के अस्पताल बनाए गए थे, चाहे वो राधा स्वामी सत्संग व्यास का अस्पताल हो, छतरपुर का अस्पताल हो, उनको डिसमेंटल कर दिया गया था जब पहली लहर खत्म हुई थी। लेकिन इस बार जो अलग अलग मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं उनको डिसमेंटल नहीं किया जा रहा है, चाहे वो रामलीला मैदान में 500 आईसीयू बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है, उनको डिसमेंटल नहीं किया गया है। भले ही वहां पर मरीज नहीं है लेकिन फिर भी उनको डिसमेंटल नहीं किया गया है। ये एक अच्छी बात है कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि अगर कुछ ऐसा होता है कि तीसरी लहर आती है और मरीजों की संख्या में एकाएक इजाफा हो जाता है तो फिर ऐसे हालात में, क्योंकि पहली लहर में अंदाजा था नहीं कि दूसरी लहर आएगी, दिल्ली में लेकिन दूसरी लहर में रहते हुए तीसरी लहर को लेकर लगातार एक्सपर्ट जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तैयारियां होनी चाहिए, इसीलिए ऐसा हो रहा है, जो कि बेहतर भी है सुमित जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन ध्वज आर्य बताएंगे कि राजस्थान में क्या कुछ तैयारी है, जयपुर में वो क्या देख रहे हैं। ध्वज आर्य, सेकेंड वेव बहुत ज्यादा खतरनाक रही, मौत का आंकड़ा तो अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, तीसरी लहर से लड़ने के लिए इंतजाम कैसे किए जा रहे हैं? देखिए, कुछ हद तक जो मौत का आंकड़ा है राजस्थान में वो कंट्रोल में आया है और काफी जो कमी आई है, रिकवरी परसेंटेज की बात की जाए 98% पर पहुंच चुका है रिकवरी परसेंटेज। और उसके साथ साथ में अगर जो राजस्थान सरकार की तैयारियों की बात की जाए, राजधानी का जेके लॉन अस्पताल है 774 बेड का आईसीयू तैयार किया जा रहा है, जिसमें 600 बेड कोविड पेशेंट के लिए होंगे। और चूंकि अब ये आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर जो होगी उसमें बच्चों को जो है काफी खतरा है, तो इसको देखते हुए राज्य सरकार ने जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं और 4 बड़े ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं और 30 जो है स्पेशल आईसीयू पूरी तरीके से इस अस्पताल में बनाया गया। उसके अलावा एक नई बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ताजा अपडेट देना चाहूंगा कि राजस्थान जो है पिछले दो दिन पहले राजस्थान जो प्रदेश है पूरे देश में नंबर 1 रहा है, जिसमें जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ है,
ये रिकॉर्ड है कि एक दिन में 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। राजधानी जयपुर की बात की जाए, 1,35,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। राज्य सरकार का सबसे जो पहला उनका यही उद्देश्य है कि सभी को जो है वैक्सीनेशन किया जाए ताकि तीसरी लहर से काफी हद तक बचा जा सके। और यही हम भी बार बार लोगों से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द खुद को वैक्सीनेट करवाइए ताकि तीसरी लहर से लड़ने के लिए मजबूती रह सके, उसके खिलाफ इस जंग में हम जीत सकें। हमारे साथ दो एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी जुड़ गए हैं, उनसे भी उनका रिएक्शन लेना जरूरी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर साजिद केसावन और हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद मेनन। डॉक्टर शरद, पहले आपसे ही, तीसरी लहर को लेकर अनुमान अलग अलग तरीके के हैं, वक्त को लेकर भी अभी श्योरिटी नहीं है, लेकिन क्या ये तय है कि तीसरी लहर दूसरी से ज्यादा खतरनाक होगी और बच्चों में संक्रमण का खतरा ज्यादा रहेगा? ये जो दूसरी लहर का जो आया है, जो उसके जो समझो कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, इसके हिसाब से समझो कि प्रोपोर्शनली बच्चों का केस ज्यादा हुआ है। बच्चों का केस जो हुआ था समझो उतना जो बड़ों से होता है उतना खतरनाक नहीं साबित हुआ है। फिर भी हमको जो है अभी फिलहाल एडल्ट वैक्सीन हो रहा है और काफी एडल्ट को इम्यूनिटी होके गया है। इसके हिसाब से बच्चों जो एक्सपोज थे घर से बाहर ही नहीं निकला है, उनका परसेंटेज तो ज्यादा होने वाला ही है। उसको हमको पूरा तैयारी करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर बच्चों को तो खतरा ज्यादा है, क्योंकि बच्चों में पहचानना मुश्किल हो जाता है और बच्चों को हम लोग तैयारी है ही नहीं। सही कहा, लेकिन अलग अलग जगह ऐसी तैयारी हो रही है, बच्चों के लिहाज से हॉस्पिटल्स तैयार हो रहे हैं। डॉक्टर साजिद, क्योंकि दूसरी लहर को लेकर हम बात कर रहे हैं और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लोग करा लें, इसलिए हम कह रहे हैं तीसरी लहर के लिए तैयार रहें, लेकिन जो नए स्ट्रेन है क्या उनका मुकाबला हो पाएगा इस वैक्सीनेशन के बाद? राइट, वेरियंट आ सकता है जो बच्चों में ज्यादा असर करा सकता है। डॉक्टर साजिद, महाराष्ट्र का जो है हम लोग आईएपी इंडियन आईएपी जो है जो महाराष्ट्र ब्रांच है उसने मल्टीपल मीटिंग्स किया है हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ, और तब टास्क फोर्स ने पूरा एक लिस्ट ऑफ प्रोसीजर प्रोटोकॉल बना तैयार किया है, जिस वजह से हम लोग काफी तरह से हम लोग टाल सकते हैं ये चीज। हम लोग जो फीवर क्लिनिक तैयार कर रहा है, हम लोग टेली कंसल्ट कर रहा है, जो बाहर से रूरल एरिया से हम लोग कंसल्ट करके बोल सके उन लोग को, हम लोग प्राइमरी हेल्थ नर्स आया बाय को ट्रेनिंग दे रहा है कैसा पहचान सके उनसे, भले बहुत कम परसेंटेज बच्चों को एक खराब असर होता है कोरोना से, और बड़ा ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है बच्चों को संक्रमण से बचाना, क्योंकि कई बच्चे बहुत छोटे होते हैं जो बता भी नहीं पाते कि उन्हें दिक्कत किस तरीके की है। आप सुमित दुबे और ध्वज आ रहा है, बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। डॉक्टर शरद और डॉक्टर साजिद हमारे साथ बने हुए हैं, अगर आपका भी कोविड से रिलेटेड कोई सवाल है आप हमें पूछ सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।